दोस्तों आज की कहानी दो चोरों की है जो एंशियंट चाइना में बारूद चोरी करने के लिए गए, लेकिन वहां ग्रेट वॉल के पीछे चाइना पर एलियंस क्रिएचर ने अटैक कर दिया। इन दोनों ने एलियंस से फाइट का फैसला कर लिया और उनकी नेक्स्ट लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ लुटेरे भागते हुए दिखाए जाते हैं। उनके पीछे कुछ सोल्जर्स भी लगे हुए थे। वो वहां से कुछ सामान चोरी करके भाग रहे थे। उनसे बचते बचते वो एक गार में जा छुपते हैं। गार में लूटे हुए सामान को देखते हैं तो उन्हें उसमें से एक मैग्नेट मिलता है। इन लुटेरों में से एक का नाम विलियम था। वो अपने साथी से ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ये कैसी चीज है जो हवा को आग में बदल देती है और उसकी वजह से उन्हें लूटने में और भी आसानी होगी। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ अजीब सा आदमी आता है और उनमें से तीन लोगों को मार देता है। क्योंकि वो बहुत फास्ट था इसलिए वो किसी को नजर नहीं आता। विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे है तो उसका हाथ कट जाता है और जिस आदमी का हाथ कटा था वो खुद खाई में गिर जाता है। विलियम उसका कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वो लोगों से पूछ सके कि ये किस मखलूक का हाथ है। अब हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी गार से बाहर आ गए हैं और अब वो ब्लैक पाउडर की तलाश में हैं। वहां से फिर सोल्जर्स उनके पीछे लग जाते हैं, जहां से भागते भागते वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। वो वहां पर देखते हैं तो चाइना की आर्मी खड़ी थी। वो उन्हें रोक लेती है। अब दोनों भाग तो सकते नहीं थे इसलिए वो सरेंडर कर देते हैं। सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वहां से उन्हें चाइना के जनरल के पास ले जाया जाता है। जब वो विलियम के पास वो अजीब मखलूक का हाथ देखता है तो हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिला। तो वो बताता है कि इस मखलूक ने उन पर अटैक किया था तो मैंने उसे मार डाला और इसे मैं इसलिए साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये क्या है। कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करता। वहां एक फीमेल कमांडर लेन होती है जो इन्हें कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए। उन्हें सजा सुनाई ही जाने वाली होती है कि एक आदमी वहां बोलता है कि ये सच बोल रहे हैं। उनके तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है। तभी वहां जनरल को इतला दी जाती है कि दुश्मन ने हम पर अटैक कर दिया है। जनरल अपनी आर्मी को तैयारी का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। यहाँ विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसको मारा था वो कौन था, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। तो वो उन्हें बताता है कि उनकी आर्मी हमारे मुकाबले में काफी पावरफुल है और उनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। उसके बाद देखते हैं कि वो अजीब मखलूक की आर्मी उन पर अटैक करने लगती है। अब ये लोग भी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करने लगते हैं। वहां विलियम को एक आदमी नजर आता है जो कि जनरल के साथ भी था। वो उसे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम फीमेल मॉन्स्टर को देखते हैं। बाकी क्रिएचर्स उसको अटैक से बचा रहे थे। वो अब अपनी फौज के साथ आगे बढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि ये क्रिएचर्स दीवार पर चढ़े हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और उनकी आर्मी को मारने लगता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर विलियम की तरफ आने लगता है तो वो आदमी उनके हाथ खोल देता है। ये सब मिलकर इस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और ये तीनों वहां तीन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। जनरल इस बात से बहुत खुश होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो परेशान भी था क्योंकि अगर वो इन मॉन्स्टर्स को ना खत्म कर सका तो ये उसके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे और सबको मार डालेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहाकर और अच्छी ड्रेसिंग करके जनरल के पास जाते हैं। जनरल ने उन्हें इस कामयाबी पर शाबाश देना थी। उनका वेलकम काफी अच्छे तरीके से करता है। फिर वहां जनरल के कुछ आदमी उनसे पूछते हैं कि तुम ऐसा कौन सा वेपन यूज करते हो जिससे लड़कर तुम इतना कुछ कर लेते हो। तो वो उन्हें ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा निशानेबाज था और तीरों को चलाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वो वहां अपनी महारत दिखाता है तो सब खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लेन आपस में बात कर रहे होते हैं। लेन उसे बताती है कि मुझे मुल्क के लिए लड़ना अच्छा लगता है, तो क्या तुम किसी के लिए लड़े हो। तो विलियम कहता है कि हाँ मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। फिर रात होती है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी। वो रात को उन्हें बुलाता है। वो विलियम और उसके दोस्त को बताता है कि मैं अभी यहाँ ब्लैक पाउडर ही ढूंढने आया था। वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है कि जब ये मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होंगे तो हम यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाएंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और ये तीनों एक साथ ये प्लान बना लेते हैं। वहां आर्मी का लीडर उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि मैग्नेट था, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसकी मदद से उसकी आर्मी जीत सकती है। विलियम उससे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। तो वो उन्हें बताता है कि काफी अर्सा पहले एक आग का गोला पहाड़ पर आकर गिरा था जिसके बाद वो पहाड़ ग्रीन हो गया था और उसी में से ये मॉन्स्टर्स निकले। हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और दुनिया में फसाद फैलाते हैं और उनकी एक रानी भी है जो उनसे सारे काम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और एक मॉन्स्टर ने आर्मी के एक सोल्जर को मार दिया है। वहां कमांडर लेन और जनरल जाते हैं।
वो मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन साथ ही जनरल देखता है कि लिन के पीछे एक और मॉन्स्टर है जो अटैक करने वाला है, तो वो लिन को पीछे करके खुद आगे आता है और अपनी तलवार मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है। लेकिन मॉन्स्टर ने साथ ही जनरल को भी मुंह में डाल लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। इसी हालत में वो लिन को नया जनरल बनाते हैं और साथ ही मर जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा की तरफ से कोई कागज लेकर आया है, जिसमें लिखा हुआ था कि मॉन्स्टर से कब कब लड़ाई हुई। वहाँ ये भी लिखा था कि एक ऐसा गेट भी है जहाँ जाकर ये मॉन्स्टर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी इसी पत्थर का बना हो, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने विलियम के सब साथियों पर अटैक किया, लेकिन विलियम पर नहीं, क्योंकि विलियम के पास ये पत्थर था। विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो विलियम का साथी उसे कहता है कि यार तुम किन कामों में पड़ गए हो, हमें जो काम करना था वो जल्द से जल्द करके भाग लेना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहां से भाग नहीं सकता था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि वो सब मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन काफी धुंध होने की वजह से उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी काफी परेशान था, लेकिन वो ऐसे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा था तो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो वो चाहता था कि वो इन लोगों की मदद करके हमेशा शाबाश हासिल करे और सब लोग उसकी प्रेज करें। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को ब्लैक पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वो कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विलियम हमेशा अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर आर्मी पर अटैक कर देते हैं। चाइना की आर्मी भी उनसे फाइट शुरू कर देती है। इस दौरान विलियम एक मॉन्स्टर पर, जो कि अकेला होता है, उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और अब उस पर उस मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हम देखते हैं कि वो इस पत्थर से वाकई ही डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा, तो सब ये देखकर खुश हो जाते हैं। अब जो आदमी किंग का लेटर लेकर आया था, वो उस आदमी के हाथ वो पत्थर और मॉन्स्टर बादशाह के पास भेज देते हैं। ये देखकर किंग खुश हो जाता है कि अब उन्हें तरीका मिल गया है जिससे हम मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक रात कमांडर लेन और आर्मी कुछ अजीब सा फील करते हैं कि वहाँ फीमेल मॉन्स्टर ने एक टनल खोद ली थी जिससे वो अंदर आ सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी विलियम के दोस्त के साथ ब्लैक पाउडर चुराकर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी ये खबर विलियम तक भी पहुंच जाती है, उन्हें रोकने के लिए वहां आता है, तो वो उस आदमी पर अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। बाहर आकर वो आदमी विलियम से कहता है कि जरा आगे रास्ता देखकर आओ। वो घोड़े से उतरकर आगे जाकर देखने लगता है तो वो आदमी उसे चीट करता है और वहां से भाग जाता है। इधर कमांडर लेन को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि इस प्लान में विलियम भी शामिल होगा। तभी एक सिपाही बताता है कि मैंने देखा था ये उन्हें रोक रहा था, लेकिन लेन उस पर यकीन नहीं करती और उसे जेल में बंद कर देती है। तब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जिस टनल से आकर मॉन्स्टर ने उन पर अटैक करना था। इधर विलियम भी उन्हें हराने के तरीके सोचता है। उसे बताया गया था कि अगर फीमेल रानी मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया जाए तो ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल कर रही है। ये लोग वहाँ देखते हैं कि अब वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद हैं। अब उनकी वार शुरू हो जाती है। इस दौरान वो आदमी किंग के पास आए मॉन्स्टर से वो पत्थर ज़रा दूर हटाकर चेक करने लगता है कि क्या यहाँ से भी ये असर करता है। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर वो रानी को सिग्नल भेज देता है कि वो यहाँ है, तो रानी अपनी फ़ौज को साथ लेकर उस तरफ चल पड़ती है। उसके बाद विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसे खाना खिलाकर बहुत सारा ब्लैक पाउडर लगा देंगे कि वो हमारे कंट्रोल में भी रहे। फिर जब वो अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं उस पर तीर फेंक दूंगा जिससे वो रानी मर जाएगी। उसके बाद वो एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहां से वो तीर फेंक कर उस रानी को मार सकें। लेकिन जब विलियम तीर फेंकता है तो रानी के मॉन्स्टर उससे कवर कर लेते हैं। विलियम बार बार कोशिश करता है लेकिन रानी के मॉन्स्टर उसे बचा लेते हैं। लेकिन अब की बार रानी ने विलियम को देख लिया था, वो अपनी आर्मी को उस पर अटैक का आर्डर कर देती है। अब सब मॉन्स्टर विलियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो जिस टावर पर खड़ा था सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर आने लगते हैं। अब विलियम के पास सिर्फ एक ही तीर बचा था जिस पर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वो लिन की मदद से उस टावर से कूद जाता है। वो उस पर तीर फेंकता है और लिन भी अपना नेजा उसकी तरफ फेंकती है जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं मर जाती है। फिर रानी के मॉन्स्टर भी बेजान होकर उस टावर से गिरने लगते हैं। अब यहाँ कमांडर लिन और विलियम काफी खुश थे कि उन्होंने इस मुल्क को बचा लिया था। अब हम देखते हैं कि विलियम के दोस्त को उन्होंने पकड़ लिया था। विलियम अपने दोस्त को आज़ाद करवाता है और फिर ये अच्छे तरीके से वहां से चले जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।